नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त ही राजू, और आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक जानकारी को लेकर आज हम बात करेंगे। दूध को बार बार उबाल कर पीना होता है सेहत के लिए हानिकारक, जानते हैं कैसे। आपने सुना होगा कि दूध उबाल कर ही पीना चाहिए ताकि उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाएं, लेकिन दूध को बार बार उबाल कर पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। मेरे दोस्तों, दूध में शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दूध में कैल्शियम, वसा, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन B12, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, इन जैसे कई स्वास्थ्यवर्धक तत्व हमें सिर्फ दूध पीने से ही मिलते हैं, जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के साथ साथ ऊर्जा भी देते हैं। बार बार दूध को उबालने से ये सभी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं दूध को ज़्यादा उबालने से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार केवल 17% महिलाएं ही इस बात को जानती हैं कि बार बार दूध उबालने से इसके पौष्टिक तत्व खत्म होने लगते हैं, जबकि 59% यानी 59% महिलाएं मानते हैं कि दूध को बार बार उबालने से पौष्टिक तत्व बढ़ते हैं। वो 27% महिलाएं मानती हैं कि पौष्टिक तत्वों पर कोई असर नहीं पड़ता। दूध के पौष्टिक तत्वों को बरकरार रखने के लिए दूध को बार बार ना उबालने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर दूध को उबालना ही पड़े तो ध्यान रखें कि इसे 2 से 3 मिनट से अधिक देर तक ना उबालें, और जब तक दूध आँच पर रखा हो उसे किसी चम्मच या करछी से हिलाते रहें। कोशिश करें कि दूध को उबालने के कुछ समय बाद उसे चूल्हे से उतार लें। ज़्यादा देर तक इसे उबालते रहना ठीक नहीं है। दूध को बार बार उबालने के बाद उसे फ्रिज में रख दें। ज़्यादा ज़रूरी हो तभी उबालें। कोशिश करें कि 1 या 2 बार उबालने के बाद दूध को प्रयोग में ले लिया जाए। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी कि दूध को बार बार उबालना हानिकारक हो सकता है शरीर के लिए, तो इसे बार बार उबालने से बचें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।